हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू एसिड क्लास। आज हम बात करेंगे कि लुईस एसिड एंड लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस एसिड ए स्पीशीज डेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर एटम। ऐसी स्पीशीज जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले, उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस हम कहते हैं ए स्पीशीज डेट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर एटम। ऐसी स्पीशीज जो दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, डोनेट कर दे, उसी हम कहते हैं लुईस बेस। आप नीचे एक रिएक्शन देख सकते हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एच रिएक्ट कर रहा है NH3 से और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है NH4। यहाँ पे एच किस तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह या फिर लुईस बेस की तरह? तो यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने NH से उसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, NH3 से उसका लोन पेयर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और NH3 यहाँ किस तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस की तरह। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर या हम कहें लोन पेयर एच एटम को दे दिया, डोनेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एच प्लस NH3 ने एक नया कंपाउंड बनाया NH4। एच यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, और NH3 यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस की तरह। तो चलिए और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक इमेज देखते हैं। इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड बना रहा है ए बी। यहाँ पे ए के पास क्या है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, यानी कि वो एक लोन पेयर किसी और एटम से ले सकता है, और जो एक लोन पेयर किसी और एटम से ले ले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। और यहाँ पे बी किस तरह काम कर रहा है, लुईस बेस की तरह। क्यों? क्योंकि उसके पास यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, और वो अपना लोन पेयर किसे दे रहा है, ए एटम को दे रहा है, क्योंकि उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। और अच्छी तरह समझने के लिए हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देते हैं NH3 और BF3 का। NH3 और BF3 रिएक्ट कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि NH3 के पास में एक लोन पेयर है, और जिसके पास में एक लोन पेयर होता है और वो दूसरे को देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। और BF3 क्या है, यहाँ पे लुईस एसिड है, क्योंकि वो NH3 से लोन पेयर ले रहा है। और अच्छी तरह देखने के लिए एक इमेज और देखिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि NH3 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसे दे दिया, BF3 को दे दिया, और यहाँ पे एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ पे सबकी एक एक डेफिनेशन बना सकते हैं। एसिड, केमिकल सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले और कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, उसे हम एसिड कहते हैं। बेस, केमिकल सब्सटेंस दैट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दे, डोनेट कर दे, अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एन एसिड एंड बेस रिएक्टेंट। जब एसिड और बेस दोनों आप में मिलके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस हुआ एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन में? एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं, बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। और एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है, एसिड और बेस के मिलने से न्यूट्रलाइजेशन बनता है, ठीक है ना, न्यूट्रल हो जाता है। इस चार्ट को देखने के बाद आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी कि लुईस एसिड क्या होते हैं और लुईस बेस क्या होते हैं। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसके अलावा भी काफी सारे साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के बारे में बताया था, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो ब्रॉन्सटेड एसिड एच प्लस डोनर, ब्रॉन्सटेड बेस एच प्लस एक्सेप्टर, आर्नियस एसिड एच प्लस डोनर, आर्नियस बेस ओ एच डोनर। ये बहुत ही सिंपल चार्ट है जो हमें बताता है लुईस ब्रॉन्सटेड और आर्नियस के बारे में, कैसे उन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया था। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज विजिट आवर वेबसाइट
sqclass.blogspot.com. It is your class. Thank you.